बड़ा उन लोगों का उनके परिश्रम की वजह से और त्याग त्याग की वजह से जो सब हुआ है और अभी हजारों लोग उसमें कुर्बानी किया तभी जाके कानून मजदूरों का कानून बना अब उसको भी बंद करने वाला है इसके लिए सदर गृह में आप कहते हैं बेस्ट को प्राइवेट होने से क्या फर्क पड़ रहा है प्राइवेट में होने वाले से उसे दिल्ली रहना बाद में यदि अर्थबंध बेईस या मजदूर या कर्मचारी दिल्ली नहीं रहेंगे आपके बच्चे ये जो नौकरी ढूंढेंगे उनको नौकरी लेकिन वो जांच रहे हैं दोस्तों ये मामूली बात नहीं है ये सिर्फ बीएसटी का प्राइवेट का बात नहीं है ये बात हमारे देश के नौजवानों का बात है उनका जिंदगी से जुड़ा हुआ है इसलिए सब लोग सब लोग इसमें शामिल होना चाहिए इसका विरोध करना चाहिए इसलिए बेस्ट वाचो मुंबई वाचो ये कमेटी की तरफ से जो मुंबई जो बीएसटी उसके तरफ से हम लोगों ने आज का ये जो कार्यक्रम किया ये सही है एक नंबर से हम लोग बहुत बन के आए हैं बहुत सारे लोग तकलीफ है इसलिए कभी कभी कम हो जाता है हम जानते हैं तकलीफ है ना सबको तकलीफ है इसलिए लेकिन मुझे एक दुख की भी बात है तो इसलिए कि बीएसटी के कर्मचारी लोग जिनको आज टाइम पर पगार नहीं मिलते वो लोग उधर बैठ के तमाशा देखते हैं दो चार लोग हैं ये दो चार लोग क्या करेंगे तुम बैठे रहे हो बीएसटी कर्मचारी लोग जब तुम अभी तक सबक नहीं सीखा तो तुम सबक सीखोगे तब आ जाना हमारे पास इतना ही करके समाप्त कर रहा हूँ और सीखता रहा हमारा बीएसटी कामगार का होता है वो दो सप्ताह है और Mumbai Vachwa, Best Vachwa, Mumbai Vachwa, Best Vachwa, Mumbai Vachwa, Best Vachwa, Mumbai Vachwa, Hamsa, Ek Hai, Hamsa, Ek Hai, Awaz Kunacha, Awaz Kunacha, Mumbai Karancha, Awaz Kunacha, Mumbai Karancha, Hamari Mange, Puri Karo, Hamari Mange, Puri Karo, पूरी करो खाली करो खाली करो साथियों मैं पहले जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं भगत त्रिधरन ने आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा लेकिन यह आपको बताना जरूरी है आज हम लोग जो पिछले 10 साल पहले हम बस स्टॉप पर खड़े होते थे और 5 से 7 मिनट के अंदर हमें बसें मिलती थी और हम अपनी यात्रा को अच्छे ढंग से हम पूरा करते थे और समय पे हम पहुंचते थे लेकिन आज के हालात ऐसी है कि आप लोग बस स्टॉप पर खड़े रहते हो आधे आधे घंटे बसें नहीं आती है आप ये देख रहे होंगे इस रायपुर नगर बस थाना के अंदर 10 से 10 बसें खड़ी है लेकिन आपके लिए वो सुविधा उपलब्ध नहीं है आप लोग हमेशा बीएसटी के कर्मचारियों को ताना देते हो लेकिन बीएसटी के परिस्थिति क्या है या आप जानने की कोशिश कर नहीं करते हो और ये हम बताने के लिए आए हैं कि आज बीएसटी की अवस्था बेस्ट मैनेजमेंट और महानगर पालिका ने क्या करके रखी है आज जो अंदर बसें खड़ी है वो तो बसें तो हैं लेकिन पिछले 5 साल से एक भी कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है इसलिए बहुत सी बसें रास्ते पर नहीं आ पाती क्योंकि हमारे पास कर्मचारियों की संख्या कम है दूसरी तरफ ये बेस्ट प्रशासन जानबूझ के बसों की संख्या कम कर रही है उनका ऐसा मकसद है कि आने वाले दिनों में जो बेस्ट के ऊपर खर्चा करना है वो बेस्ट के ऊपर खर्चा उनको बंद करना है और ये बीएसटी को निजी ठेकेदारों की बसों के सपोर्ट करना है जिससे आने वाले दिनों में ये जो लाल बस दिखाई पड़ रही है जो समय पर आती है जो आपकी सेवा देती है वो धीरे धीरे कम करने का हम समझना चाहते हैं कि आज बीएसटी की सेवा हो गई है ये पिछले 70 साल से बीएसटी प्रशासन ये बेस्ट की बसें मुंबई की सेवा कर रही है 24 घंटे सेवा कर रही है इसको आज बंद करने के इसको कम करने की क्या जरूरत है एक तो हमें कहते हैं कि
बीएसटी ये अत्यावश्यक सेवा है और ये जरूरत है कायदे के अनुसार कानून के मुताबिक अत्यावश्यक सेवाओं को 24 घंटा चालू रखने का कामकाज सरकार का है। सरकार ने उसके लिए फंड देना चाहिए, पैसा मुहैया कराना चाहिए। जिस तरीके से हमारे मुंबई के अंदर अनेक जो हॉस्पिटल्स है उनको पैसा देती है, कचरा सफाई के लिए देती है, लेकिन सरकार ने अपना रुख बदला है। महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं उन्होंने भी अपना रुख बदला है और आप लोगों ने जिनको चुन कर दिया है आज महानगर पालिका के अंदर सेना और बीजेपी की सत्ता है, लेकिन उनको आज बीएसटी के यात्रियों की कोई परवाह नहीं है। आज वो धीरे धीरे बसों की संख्या कम कर रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए पिछले 7 सालों के अंदर 1000 बसों की संख्या कम हो चुकी है और इसका सीधा सीधा परिणाम यात्रियों के ऊपर होता है। यात्रियों को समय पर बस नहीं मिलती। आज शाम को अगर आप चाहिए साईनाथ रोड पे आप आधा आधा घंटा पौना घंटा आपको वहाँ पे बस का इंतजार करना पड़ता है और बस नहीं होती है, इसलिए लोग शेयर रिक्शा के लाइन में सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर खड़े रहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं आपको कि बीएसटी के अंदर इस मुंबई के शहरों के अंदर परिवहन करना, यात्रा करना ये हमारा अधिकार है और यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का फर्ज है या महानगर पालिका का फर्ज है। हम उनसे भीख नहीं मांगते क्योंकि आज सबसे अपने देश के अंदर भारत देश के अंदर सबसे महंगी अपनी महानगर पालिका है जो आप लोगों के टैक्स की वजह से तकरीबन 70,000 करोड़ रुपया उनके पास अलग अलग फंड के अंदर मौजूद है, लेकिन वो बस की सेवा के लिए नहीं देते, उल्टे अलग अलग ठेकेदारों को रास्ता जो खड्डा है खड्डा बुझाने के लिए देती है। आपको मुंबई शहर के रास्ते कैसे हैं ये आपको पता है और ये करोड़ों रुपए इन ठेकेदारों के जेबों में जाता है। अभी हाल ही में उन्होंने 1000 करोड़ रुपया पोस्टल रेट के रोड के लिए उन्होंने दिया है। उनका एक तरफ ये काम है पोस्टल रोड के लिए पैसा देंगे, अलग अलग जूते के लिए पैसा देंगे, ठेकेदारों को पैसा देंगे, लेकिन बेस्ट के लिए एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं। और महानगर पालिका आयुक्त अजय घोष जी कहते हैं बीएसटी के लिए हम एक भी पैसे की मदद नहीं करेंगे और ये जिस तरीके से उनका रवैया है उन रवैये के खिलाफ हम सभी को मुंबई वासियों को इकट्ठा होकर के अपनी जो बीएसटी सर्विस है अपनी जो परिवहन यात्रा है उसको बचाने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और इसीलिए मुंबई शहर के अंदर आम की मुंबई आम की बेस्ट के इस मंच के तहत सभी लोग इसके अंदर कांग्रेस के लोग हैं, सीपीएम के लोग हैं, सीपीआई के लोग हैं, अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग नागरिक हमारे इस संस्था से जुड़ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इससे जुड़ेंगे और आने वाले दिनों में हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम या इस अजय मेहता को या बीएसटी के जो जनरल मैनेजर है उनको हम बताएंगे कि बीएसटी की बस सेवा बंद करने का कामकाज उसको रोक लगाओ, बीएसटी के अंदर जो भाड़ा बढ़ाने का आपने जो प्रस्ताव रखा है उसको पीछे लो और सुधराव के लिए हम रास्ते पर आकर भी लड़ाई करेंगे संघर्ष करेंगे। मुझे आशा है कि आप इस संघर्ष के अंदर भागीदारी करोगे। इतना ही बोल करके मैं आपसे विदा लेता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय सलाम, इंकलाब जिंदाबाद, बेस्ट मैनेजमेंट मुर्दाबाद, बेस्ट मैनेजमेंट मुर्दाबाद, 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 अरे दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो कार्यक्रम है आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम अलग अलग इलाकों में ये कंटिन्यू ये सतत ये चलते रहेगा और मुझे आशा है कि आप जहाँ भी होंगे इस कार्यक्रम दिखे उसमें आप शामिल हो। इतना बोल करके आपका ये कार्यक्रम समाप्त हुआ ऐसा प्रशिक्षित करता हूँ। धन्यवाद।